और वचन वचन कहता है कि एलिशा एक परमेश्वर का भक्त था, एक नबी था वो। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को याद रखिए, एलिशा के पास कोई संदेश नहीं था, पर एलिशा का जीवन ही उसके लिए एक संदेश था। एक स्त्री ने उसे वॉच किया था और स्त्री ने अपने हस्बैंड को कहा कि ये कोई परमेश्वर का पवित्र जन मालूम पड़ता है। क्या हम अपने घर के ऊपर, जो हमारे ऊपर एक फ्लोर पड़ा है, क्या हम वहां पर एक टेबल, एक चेयर, एक लैंप और एक पलंग रख दें कि जब भी ये इस तरफ आए तो ये आराम करे। और उसके पति ने उसको परमिशन दी। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने एलिशा को मनाया और एलिशा जब कभी भी वहां रहता था वो उसी घर में आके रहता था। और ये लोग इसकी पहनवाई करते थे। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि जो भी लोग खुदावन ने आपको दिए हैं, जितनी भी बेड़े हम, जितने भी प्रभु के दास हैं, पास्टर्स हैं, जितनी भी बेड़े प्रभु ने हमें दी हैं, हम उनकी रक्षा करें, हम उनकी शुद्धि लेते रहें, ये बहुत जरूरी है। कहाँ ना कहाँ एलिशा को भी बर्डन था कि एक बहन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्यों ना मैं खुदा से कह के इसके लिए भी कुछ करवाऊं। और वचन ऐसा कहता है कि एलिशा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तब बात पता चली कि इसे बच्चा नहीं है। ये बात गहजी से पता चली। गहजी एलिशा का एक चेला था जो उससे सीखता था। और बाइबल ऐसा बताती है कि एलिशा ने प्रार्थना की और उस लेडी को बच्चा पैदा हुआ, उसे एक बेटा पैदा हुआ। पर हुआ ऐसे कि कुछ समय के बाद इस बच्चे की सर दर्द होने के कारण मौत हो गई, वो सो गया। और जब इस लेडी को ये बात पता चली कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा, तो उस लेडी ने एक गधे पर बैठकर मीलों वो चलती रही। और जैसे वो उस पहाड़ पर पहुंचने ही वाली थी जहां पर एलिशा था, कि एलिशा ने उसे देख लिया और एलिशा ने अपने चेले गहजी को कहा कि जा और इसे पूछ सब ठीक है। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने गहजी को एक अलग आंसर दिया, लेकिन एलिशा को उसने कुछ अलग आंसर दिया। जब गहजी ने उससे पूछा कि सब कुशल है, तब यहां पर जो वर्ड से पहले स्क्रीन पर था और एक बार फिर से आपके सामने वो नीचे आ रहा है, तब गहजी ने उससे पूछा सब ठीक है, तो वो कहती है ऑल इज वेल, सब ठीक है। लेकिन जब वो आगे चल के एलिशा के पैरों पर गिरती है, तो वो वहां पर कहती है कि क्या मैंने तुझे बेटा मांगा था, क्या मैंने तुझे बच्चा मांगा था। मेरे भाइयों और बहनों, इस लेडी के अंदर एक खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये जानती है कि मुझे अपनी बातें किससे शेयर करनी है। वो जानती है कि एलिशा एक परमेश्वर का जन है, मुझे उससे ही जाकर ये बात कहनी है। आज आप और मैं बहुत सारे हालातों से गुजरते हैं। कभी हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं, कभी कभी हमारी जॉब चली जाती है, कभी कभी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, वो कंटिन्यू सेलफोन को यूज करते हैं, हमारे मना करने के बाद वो लेट नाइट सोते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने शादी करी और शादी के बाद आपकी जम नहीं रही है अपनी पति पत्नी की। ऐसी बहुत सारी पारिवारिक चिंताएं, ऐसी बहुत सारी बिजनेस टेंशन, चर्च के अंदर के इश्यूज हमारे सामने आते हैं। पर अब बात यह है, आप किससे शेयर करते हैं? कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जो कलीसिया की बातें अविश्वासियों के पास लेके जाते थे। आज आप देखिए, जितने भी लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे के लिए कुछ बोलते हैं, मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, अन्य जातियां हंसती हैं इन लोगों पर कि देखो ये वो लोग हैं जो लोगों को मसीह में लेकर आते हैं, पर इनका जीवन देखो। क्यों ऐसा लिखा गया है कि लूत और इब्राहिम के चरवाहों के बीच पे जब झगड़ा हो रहा था, तब लिखा है वहां पर ये जातियां थी। नीचे कुछ जातियों के नाम लिखे गए हैं। परमेश्वर हमें समझाना चाह रहा है कि जो आप कर रहे हो वो सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, वो एक संदेश है जो सबके पास जा रहा है। ये बहन गहजी को कुछ नहीं कहती है, पर वो एलिशा के पास जाके कहती है। और आप सभी जानते हैं इस स्टोरी के लास्ट में, इस सत्य घटना के अंदर, वो बच्चा आखिर लास्ट में मुर्दों में से जी उठा। एलिशा ने यह किया। पर मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप सबों की जिंदगी में कुछ हालात हैं, एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए अपने हालातों को सामने लाइए और अपने आप से पूछिए, क्या इससे पहले कि आप अपनी तकलीफ लोगों को बताएं, क्या उससे पहले आपने अपनी तकलीफ खुदा को बताई है?
आज बहुत कम लोग हैं, ये एक मेकअप है एक दुल्हन का कि वो अपनी बातें अपने दूल्हे यसु को बताएगी, लेकिन आज आप देखिए सबको बताने के बाद हम अंत में दुआ करते हैं, ये कितनी बेइज्जती है खुदा की। हमने परमेश्वर को एक एमरजेंसी एग्जिट की तरह लिया है कि अगर आग लगे तो यहां से कूद जाओ, यहां से चले आओ। हम सब रास्तों को पहले अपना लेते हैं और अंत में खुदा के पास आते हैं और एक मैसेज टाइप करके सबको भेज देते हैं, प्लीज प्रे फॉर मी। मैं फिर से कहता हूं, दूसरों के लिए, दूसरों को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देना बिल्कुल गलत नहीं है। इवन परमेश्वर ने अय्यूब को कहा, जब तक तू इनके दोस्तों अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा मैं इनकी कोई बात पे ध्यान नहीं दूंगा, और अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना की। आप सभी जानते हैं पॉल जैसा व्यक्ति दूसरों को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देता था, लेकिन ये वो लोग नहीं थे कि ये अंत में खुदा के पास आते थे, ये सबसे पहले प्रभु के पास जाते थे। और इस बात को याद रखिएगा, अपनी प्रॉब्लम में आपने जिस किसी को पहले पहले बात बताई कि ये प्रॉब्लम है, वही आपका खुदा है, याद रखिएगा। एक समय था जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले और मार, क्योंकि कुछ समय पहले परमेश्वर ही इब्राहिम के लिए सब कुछ था, लेकिन अब बेटा कुछ हो गया। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आपके और परमेश्वर के बीच में कुछ आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपसे लड़ने वाला ठहरेगा, वो आपसे लड़ेगा, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको पाने के लिए आपसे लड़ सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूं, अपनी बातों को परमेश्वर के पास ले जाइए सबसे पहले। किसी और को भी कहोगे ना तो वो भी यही कहेंगे, ठीक है हम दुआ करेंगे। प्रेयर रिक्वेस्ट देना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, आप दे सकते हैं, पर सवाल यह है कि कितने लोग इस बहन की तरह हैं जो पहले गहजी के पास नहीं, जो पहले एलिशा के पास आते हैं। यीशु हमारा स्वर्गीय एलिशा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज रात को सोने से पहले अपने आप को खुदा के सामने खाली कर दीजिए और यह विश्वास रखिए कि जो आपने उसे कहा है वो उसे अपने समय में ठीक कर देगा। लेट्स प्रे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, हम आपके, हम दुआ करते हैं प्रभु आज जो हमने सुना और सीखा है हमें उस पर चलने के लिए आप अनुग्रह दें। बहुत बार हम अपनी बातें प्रभु सिर्फ दूसरों से शेयर करते हैं, तेरे पास नहीं आते, हमें माफ कर, हम पर दया कर। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में।